नमस्कार, एलीट स्टडीज इंदौर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एमपीपीएससी साक्षात्कार 2019 के इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉडी लैंग्वेज की। इसके पहले साक्षात्कार से संबंधित कई वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं, उनको भी एक एक करके जरूर देख लीजिए, क्योंकि अगर आप साक्षात्कार में 150 प्लस नंबर पाना चाहते हैं तो आपके लिए हमारे द्वारा बताई गई एक एक चीज काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें, साथ ही इस वीडियो को शेयर करें। चलिए बात करते हैं आज के हमारे टॉपिक जिसका नाम है बॉडी लैंग्वेज या शारीरिक भाषा। आपको बता दें, बॉडी लैंग्वेज यानी कि शारीरिक भाषा अपने आप में एक इंपॉर्टेंट भाषा है जो कई बार आपकी जुबान या आपके शब्दों से अधिक स्पष्ट होती है। बॉडी लैंग्वेज एक तरह का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है जो कि आप अपने इशारों द्वारा व्यक्त करते हैं या किसी के इशारों के द्वारा आप उसकी बात को समझते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि यह हमारे व्यक्तित्व का आईना होती है, और जिस तरह से एक किताब के अलग अलग पन्नों में अलग अलग बातें लिखी होती हैं, उसी तरह से हमारे शरीर के द्वारा व्यक्त किए जाने वाले अलग अलग हाव भाव के अलग अलग अर्थ होते हैं। लेकिन खास बात यह है कि अनजाने में शरीर के माध्यम से हम कई प्रकार के संकेत भी भेजते हैं या समझते हैं, और इंटरव्यू के दौरान आमतौर पर बॉडी लैंग्वेज को हम दर्शाकर अपनी पर्सनालिटी के बारे में जो इंटरव्यूअर है उसको बहुत कुछ मैसेज दे देते हैं। आप कितने भी जानकार हैं या आपके अंदर कितना भी कॉन्फिडेंस है, लेकिन अगर आपकी उठने बैठने, बातचीत करने का तरीका और आपके हाव भाव, आपके कहने का जो एक एक्सप्रेशन है, वो इंटरव्यू पर अलग ही प्रभाव छोड़ता है। इसलिए आपको इंटरव्यू के दौरान आप ध्यान रखें कि बॉडी लैंग्वेज यानी कि आपकी शारीरिक भाषा किस प्रकार होना चाहिए। आमतौर पर हम अपनी बॉडी लैंग्वेज की अहमियत को नहीं समझते हैं और इसे नज़रअंदाज करते रहते हैं। इसी का कारण है कि हम अपने हाथों ही इंटरव्यू या इस तरह के जो बड़े मौके होते हैं उनमें अपनी छवि को खराब कर देते हैं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बॉडी लैंग्वेज के अलग अलग अर्थ बताऊंगा, जिससे आप आने वाले साक्षात्कार में शारीरिक भाषा यानी कि बॉडी लैंग्वेज से संबंधित किसी भी तरह की गलती ना करें। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है, मैं इनके मतलब आपको बता देता हूं ताकि जो नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज है उनको आप वहां पर शो ना करें, जो पॉजिटिव हैं उन्हीं को आप वहां पर अपने एटीट्यूड का, अपने बॉडी लैंग्वेज का हिस्सा बनाएं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आप अपने हाथों को अपने घुटनों पर रख लेते हैं, जैसे कि ये चित्र नंबर दूसरा दिखाई दे रहा है, अगर आप अपने हाथों को अपने घुटनों पर रख लेते हैं तो इसका मतलब होता है जल्दबाजी। जैसे आप उठने की स्थिति में होते हैं तो आप क्या करते हैं, जब कहीं जाना होता है आपको और आप सोचते हैं कि चलिए है ना चला जाए, तो आप क्या करते हैं, अपने हाथों को घुटनों पर रख लेते हैं, तो ये जल्दबाजी माना जाता है और एक तरह का नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज होता है, ऐसे आपको नहीं बैठना है। इसी तरह से अगर इंटरव्यू के दौरान आप बार बार घड़ी देखते हैं, तो बार बार घड़ी देखना मतलब ये होता है कि आप बातचीत को जल्दी खत्म करना चाहते हैं। ठीक है, इंटरव्यू में आप घड़ी पहनकर जाएं, सिंपल सादा, लेकिन घड़ी को बार बार नहीं देखना है, क्योंकि इसका अर्थ जो आपके इंटरव्यूअर हैं वो गलत लगा सकते हैं, तो ये नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद आपको पैरों को मोड़कर नहीं बैठना है, जिसको आप क्रॉस लेग कहते हैं, है ना। क्रॉस लेग मतलब क्या होता है कि आपको पैरों को मोड़कर नहीं बैठना है। ठीक है, क्रॉस लेग। अब इससे क्या होता है कि अगर आप पैरों को मोड़कर बैठते हैं तो इससे सामने वाले जो इंटरव्यूअर है उसको यह मैसेज जाता है कि आप क्या है, कुछ छुपाना चाहते हैं या फिर खुलकर बात नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप पैरों को फोल्ड करते हैं, एक के ऊपर एक पैर रख के आप क्या करते हैं, अगर पैरों को फोल्ड करते हैं तो इंटरव्यूअर को ये मैसेज जाता है कि आप कुछ छुपा रहे हैं या खुलकर बात नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से आई कांटेक्ट, आपका आई कांटेक्ट
पैनल में जितने भी लोग हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन कोई भी करे लेकिन आपको आई कांटेक्ट सभी से बनाए रखने की कोशिश करना है। ध्यान दीजिएगा, है ना, आपको आई कांटेक्ट सभी से बनाए रखने की कोशिश करना है। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है सिर्फ उसी की तरफ देखें और बाकी सबको नजरअंदाज करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा ध्यान रिस्पॉन्स सभी की तरफ होना चाहिए। अगला है, अगर आप अपने जो हाथ हैं वो सिर के पीछे बांध लेते हैं इस तरह से, ये फिगर देखिए आप, है ना, ये मैंने बॉडी लैंग्वेज के फिगर इसलिए निकालेंगे, इस तरह से अगर आप अपने हाथों को सिर के पीछे बांध लेते हैं तो इसका मतलब होता है ओवर कॉन्फिडेंस, यानी कि आपके अंदर अति आत्मविश्वास है। ठीक है, तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस वहां पे नहीं झलकाना है, ऐसे नहीं बैठना है। ठीक है, आगे की ओर झुकना, अब मान लीजिए आप बैठे हैं, इस फिगर को देखिए, आगे की ओर झुकना, आगे की ओर झुककर बैठे हैं, तो इसका मतलब होता है उत्सुकता, जल्दबाजी, है ना, मतलब आपको कंट्रोल नहीं हो रहा है, आपके अंदर पेशेंस नहीं है। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। इसी तरह से मैंने आपको बता ही दिया पीछे की ओर होना, तो पीछे की ओर होना भी क्या होता है, काम के प्रति उदासीनता। ठीक है, मान लीजिए आगे की ओर झुके और ये फिगर मान लीजिए ये पीछे की ओर है ना, या जैसे अभी हमने बात की थी कि हाथ पर सिर पर हाथ लगाकर पीछे की ओर थोड़ा सा झुक जाना, तो ये क्या होता है, घमंड और काम के प्रति उदासीनता दिखाता है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप बैठे समय, है ना, आप बैठे समय क्या करते हैं, आप बैठे समय आप पैरों को हिलाते हैं या जो रखी हुई सामने टेबल है उस पर उंगलियां फेरते हैं, तो यह बताता है कि आपको घबराहट हो रही है। ठीक है, सुन लीजिए, ठीक है, अगर आप बैठे हैं इंटरव्यू पैनल के सामने और आप क्या कर रहे हैं, जो सामने टेबल रखी हुई है उस पर हाथ चला रहे हैं या फिर पैरों को हिला रहे हैं, तो ये बताएगा कि आपको घबराहट हो रही है, आप नर्वस हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए अगर कोई प्रश्न आपसे पूछा जाता है और आप ज्यादा बार सिर हिला रहे हैं, है ना, जरूरत से ज्यादा सिर हिला रहे हैं, तो इसका मतलब होता है चापलूसी करना, जरूरत से ज्यादा सिर नहीं हिलाना है। इसी प्रकार से अगर आप इंटरव्यू के वक्त आंखें रगड़ते हैं, ठीक है, आंखें रगड़ते हैं तो इसका मतलब होता है आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है, इसलिए आंख नहीं रगड़ना है। कभी कभी कोई क्या होता है, पॉकेट में हाथ डाल के भी बैठ जाता है, तो पॉकेट में हाथ डालकर नहीं बैठना है, क्योंकि पॉकेट में हाथ डालकर बैठने का मतलब क्या होता है, पॉकेट में हाथ डालकर बैठने का मतलब होता है कि आप जो है उदासीन है, उदासी है। इसी तरह से कोई कोई इंटरव्यू के दौरान ही आंखें भी बंद कर लेता है, ऊंघने लगता है, तो इस तरह का व्यवहार भी ना हो, क्योंकि ऊंघना एक तरह से बैड इंप्रेशन। ठीक है, इसी तरह से अगर आप तेज तेज ताली बजाने लगते हैं या आप जरूरत से ज्यादा हंसते हैं, तो यह भी आपकी बॉडी लैंग्वेज पर नेगेटिव असर डालता है। आपको किसी बात पर वहां पर तेज तेज ताली नहीं बजाना है, ठीक है, ना ही वहां पर आपको क्या करना है, आपको ज्यादा जोर से हंसना है। ठीक है, आप स्माइल कर सकते हैं लेकिन आपको हंसना नहीं है, हा 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 करके वहां पर हंसना नहीं है। ठीक है, इसी तरह से ज्यादा पलके झपकाना, अगर इंटरव्यू के दौरान आप ज्यादा पलके झपकाते हैं या आप जो है कहना चाहिए ज्यादा पलके झपकाते हैं, तो इसका मतलब होता है झूठ बोल रहे हैं आप, है ना, या आप जो है ज्यादा पलके झपका झपका के बात करें, तो इसका मतलब यह है कि आपको सही जवाब नहीं आ रहा है। इसी तरह से अगर और बॉडी लैंग्वेज की हम बात करें, तो अन्य बॉडी लैंग्वेज में जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर आप कानों को बार बार छू रहे हैं या आप चेहरे को बार बार खुजली कर रहे हैं, तो यह भी अविश्वास का संकेत है। ठीक है, गाल पर हाथ नहीं रखना है, जैसे ये देखिए ये चित्र, यहाँ पर गाल पर हाथ रखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, गाल पर हाथ रखने का मतलब क्या है, चिंता या सोचना। ठीक है,
अगर आप मान लीजिए जैसे मैंने बताया जबरदस्ती हंसते हैं आप, तो जबरदस्ती हंसते हैं तो ये भी क्या है आपका नर्वसनेस माना जाता है ना, जबरदस्ती नहीं हंसना है। देखो दो तरह की हंसी होती है, कि कोई बातचीत हो रही और एकदम से हंसी निकली और आपने बात हंसने वाली और आपने हंस दिया, जैसे आप घर में हंसते हैं, ऐसा नहीं करना है। और अगर आप जबरदस्ती किसी बात को हंस रहे हैं, बात हंसने वाली नहीं है फिर भी आप हंस रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, आप नर्वस हैं, ठीक है। या आप बात करते वक्त अपने होठों को चबा रहे हैं, या कभी कभी होता है नाखून चबाने लगते हैं आप, तो अगर आप नाखून चबा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप फ्रस्ट्रेट हैं, है ना, फ्रस्ट्रेशन है आपके अंदर, ठीक है। इसी तरह अगर आप बात करते वक्त मान लीजिए अपनी नाक को छू रहे हैं, बात करते वक्त अगर आप अपनी नाक को छू रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार कंधे झुकाकर चलना और बैठना भी नहीं है आपको, कंधे झुकाकर चलना या बैठना भी नहीं है, चित्र में देखिए, ठीक है, कंधे झुकाकर आपको चलना या बैठना नहीं है, आपको स्ट्रेट बैठना है इसकी तरह, ना स्ट्रेट बैठना है इस तरह से, ठीक है। पैर फैलाकर नहीं बैठना है आपको, एक पैर के ऊपर एक पैर रख के नहीं बैठना है, ठीक है। आपको ना तो अपने चेहरे पर हाथ रखना है, ठीक है, आपको क्या करना है, आपको स्ट्रेट बैठना है इस तरह से, ठीक है, और आपका आई कांटेक्ट सभी से होना चाहिए। तो एक बार मैं फिर से आपको सारी जो बॉडी लैंग्वेज है उनके बारे में बता देता हूं, फिर आगे बात करता हूं। देखिए सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि आपको अपने घुटनों पर हाथ नहीं रखना है इस तरीके से, यह जल्दबाजी माना जाएगा। बार बार घड़ी नहीं देखना है, यह भी नेगेटिव है। इसी तरह से आपको पैर के ऊपर पैर मोड़कर नहीं रखना है, फोल्ड करके नहीं रखना है, आई कांटेक्ट बनाकर रखना है, अपने हाथ सिर के पीछे नहीं रखना है, ठीक है, यह अति आत्मविश्वास का सूचक है। आगे की ओर भी नहीं झुकना है आपको, पीछे की ओर भी नहीं होना है, स्ट्रेट बैठना है, ठीक है, पैरों को नहीं हिलाना है, ठीक है, ना ही वहां पर रखी हुई किसी चीज को टेबल पर छूना है या टेबल पर हाथ चलाना है, जरूरत से ज्यादा सिर भी नहीं हिलाना है, हाँ हाँ कर रहे हैं जरूरत से ज्यादा, ये चापलूसी माना जाता है, ठीक है। आंखें भी नहीं रगड़ना है, आंखें रगड़ने का मतलब क्या होता है कि आप जो है आपके अंदर अविश्वास है, अपनी पॉकेट में हाथ डालकर नहीं बैठना है। इसी प्रकार से ज्यादा पलके नहीं झपकाना है, इसका मतलब होता है झूठ बोल रहे हैं आप, ठीक है। इसी तरह से आपको कानों को नहीं छूना है, खुजली नहीं करना है कानों पर, चेहरे के किसी अंग पर खुजली नहीं करना है, ठीक है। गाल पर हाथ रख के नहीं बैठना है, गाल पर हाथ रख के बैठ जाएंगे तो लगेगा जैसे सोच में डूबे हुए हैं। जबरदस्ती नहीं हंसना है, या किसी बात पर ऐसे नहीं हंसना है कि आपको बिल्कुल मैनरलेस हो जाना, आप स्माइल सिंपल एक स्माइल दे सकते हैं, कंट्रोल करना है, ठीक है। नाखून नहीं चबाना है, पैरों को खोल कर नहीं बैठना है इस तरीके से। इसी तरह से आपको कंधे झुकाकर नहीं चलना है ना बैठना है, बैठे बैठे भी आपको हाथ पैर नहीं चलाना है, ठीक। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं IAS IPS और MBBSC प्री मेंस इंटरव्यू की हिंदी अंग्रेजी माध्यम में, या आप हमारी टेस्ट सीरीज या नोट्स खरीदना चाहते हैं, या आप MP पुलिस सब इंस्पेक्टर या MP कॉन्स्टेबल, बैंक SSC, रेलवे, पटवारी, संविदा शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, तो एलीट स्टडीज इंदौर पिछले 8 सालों से प्रिंस सर के मार्गदर्शन में काफ़ी अच्छे परिणाम दे रहा है। यहाँ पर हॉस्टल, साथ ही आपके खाने की व्यवस्था भी है, और आप एक बार जरूर विजिट करें। साथ ही हमारी कोशिश है कि हम 20 मई से आने वाले MPPSC प्री 2020 प्री और मेंस के लिए एक फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप टेलीग्राम पर बना रहे हैं। आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, हम आपको उस ग्रुप से जोड़ लेंगे। धन्यवाद।